नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश से आ रही है खबर, यूपी इंस्ट्रक्टर अन्वेषकों से संबंधित है। कल 27,555 इंस्ट्रक्टर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन केस की अधिकता और समय के कारण ये सुनवाई नहीं हो पाई और लगातार ये फिर से हुआ है ऐसा। जो केस की अधिकता और समय अभाव के कारण अन्वेषकों की सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते अन्वेषक निराश और हताश दिखे। अब ये सुनवाई 30 जनवरी 2024 यानी कि 2 महीने बाद होगी, तब तारीख लगी हुई है। देखते हैं क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अन्वेषक इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल में यानी कि 10 वर्ष के कार्यकाल में लगातार 5 वर्ष से उनको लागू मध्य 17,000 भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके लिए वो डबल बेंच में अपना केस भी जीत चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे पिछली तारीख में कि उनका भुगतान किया जाए। यूपी सरकार के वकील को फटकार भी लगाई थी। अब तक डबल बेंच के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, मानदेय 17,000 का भुगतान क्यों नहीं किया, एक वर्ष का जो आदेश है उसको क्यों नहीं माना गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा था सरकार के वकीलों को फटकारते हुए। लेकिन अभी तक सरकार की कान पर चूने लेंगी अन्वेषकों को उनका हक नहीं मिल पाया है। साथियों, रिक्वेस्ट, आप अपनी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे आपकी आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।